गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, नाउ वी हैव टू कम्प्लीट इट चैप्टर 3 आ की मात्रा। नाउ ओनली आ की मात्रा वी हैव टू कम्प्लीट इट। चैप्टर 3 इज़ नॉट कम्प्लीटेड। पार्ट 1 आ की मात्रा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट हर्षी और दीर्घी। हर्षी की मात्रा और दीर्घी की मात्रा का ज्ञान हम करेंगे। जो आ की मात्रा ऑलरेडी हम कम्प्लीट कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं सब लोग। अब हर्षी की मात्रा ये क्या है? जो हम लेफ्ट साइड से मात्रा लगाते हैं लाइन खींच के ऊपर करके, उसको हर्षी की मात्रा बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, नाम लिखे हुए, और सबसे पहले हम आपको हर मात्रा में समझा रहे हैं कि जोड़ के आप मात्रा बनाओगे, शब्द बनाओगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे हर्षी की मात्रा जोड़ सा, जोड़ ता, जोड़ आ की मात्रा, जोड़ रा सितार। हर्षी की मात्रा जोड़ हा, जोड़ रा, जोड़ ना हिरन। दा जोड़ हर्षी की मात्रा जोड़ ला, जोड़ या, जोड़ आ की मात्रा डलिया। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने पिक्चर्स अपनी नोटबुक में भी तो बना के रखी हुई है, उसमें नाम लिखे हुए इस तरह से, आपको वही करना है। आप यहाँ पे बुक्स में भी देख रहे हो इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने अपनी नोटबुक में भी इसी तरह से तैयार किया है, जैसे आपको भी करना है ना। ये ऊपर जो है आप शब्द देख रहे हो वर्ण, उसमें बिना मात्रा वाले वर्ण लिखे हुए, और नीचे हर्षी की मात्रा वाले वर्ण। क की, ज जी, ड डी, था थी, फा फी, हा ही। हम इन लोगों का कम उच्चारण करना पड़ता है क्योंकि ये छोटी की मात्रा है। हर्षी को छोटी ही बोलते हैं, बट उसको इजली हम लोग इस छोटी ही बोल सकते हैं, बट उसको सही में हर्षी ही बोलते हैं क्योंकि वो छोटी है, तो उसको हर्षी, और इसको दीर्घी। नाउ वी हैव टू कम्प्लीट दिस लाइन। नाउ किसान, अब आप देख रहे हो यहाँ पे किसान बना हुआ है, फसल काट के ले जा रहा है, तो ये समझ में आ रहा है इजली आपको, पिक्चर्स में समझ में आ रहा है, उसके नीचे नाम लिखा हुआ है। किसान, डिबिया, पहिया, सियार। अब यहाँ पे बिना शब्द वर्ण मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं, शब्द ये भी कहलाएंगे, बट ये हर्षी की मात्रा वाले शब्द हैं। पता पिता, मल मिल, दया दिया, हल हिल, तल तिल, दल दिल, सर सिर। अब यहाँ पे देखो दो पिक्चर्स बनी, चिड़िया और किताब की पिक्चर बनी हुई है, अब इसको इस तरह से पढ़ेंगे, क्या है? चिड़िया, हर्षी की मात्रा वाले शब्द। चिड़िया, डलिया, किताब जो यहाँ बनी हुई है, पहिया यहाँ बना हुआ है, डिबिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डलिया देखो ऊपर पिक्चर बनी हुई, हिसाब, हिसाब करना किसी भी चीज़ का, नदिया। नौ वाक्य पढ़ो और लिखो। चिड़िया आई, टॉपिक इज चिड़िया आई। अब यहाँ पे चिड़िया देख रहे हो ना आप, उड़ के आ रही है। चिड़िया आई तिनका लाई, उड़ उड़कर चहचाई। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं, वैसे चिड़ियाँ क्या करती हैं? चहचाती हैं, चींची करती हैं, तो उनका चहचाना होता है। तिनका छत पर रख दिया, फिर तनिक सा जल पिया, सितार बजा कर गाना गा कर। देखो सितार बजा रहे हैं, गाना गा रही है, तिनका लेके सब, आप देख रहे हो पिक्चर में सब समझ में आ रहा है। सितार बजा कर गाना गा कर चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़कर किधर गई? अब ये है क्वेश्चन मार्क है, देखो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है कि चिड़िया उड़कर किधर गई। नौ फिर हम कंप्लीट करेंगे। फिर एक सियार आया, चिड़िया उड़ गई तो उसके बाद सियार आया, उड़ाकर एक विमान लाया। विमान मतलब उड़ने वाला, उड़ के वो आया, कुछ उड़ के उसमें बैठ के विमान लेके आया। बिछाकर खटिया, लगाकर तकिया, देखो खटिया बिछाया है, तकिया लगाया हुआ है। बढ़िया गिटार बजाया, गिटार बजा रहा है, आप लोग देख रहे हो ना सियार। हिरन नाचा, सियार नाचा, भाई बड़ा मज़ा आया। देखो हिरन नाच रहा है, सियार नाच रहा है गाना बजा के। उन लोगों को वजह से आप लोग बर्थडे पार्टी वगैरह करते हो, डांस वांस करते हो, आप लोग इन्जॉय करते हो इस तरह से, इसीलिए ये लोग इन्जॉय करके इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब हम करेंगे, जैसे इसको कर चुके हैं, अब हम करेंगे हर्षी की मात्रा का ज्ञान। अब हर्षी की मात्रा आप देख रहे हो राइट साइड से लाइन खींची ऊपर किया गया है, तो ये हर्षी की मात्रा कहलाएगी। रा जोड़ हर्षी की, सॉरी दीर्घी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा क्या है? लेफ्ट साइड से आप करोगे तो ये दीर्घी की मात्रा, हर्षी की मात्रा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रा जोड़ दीर्घी की मात्रा, जोड़ छा रीच। बा जोड़ का, जोड़ रा, जोड़ दीर्घी की मात्रा पकड़ी। मा जोड़ छा, जोड़ ला, जोड़ दीर्घी की मात्रा मछली। अब यहाँ पे देख रहे हो मैंने ये अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इसके बाद मैंने किया हुआ है इसको तैयार।
कौन सी है ये दीर्घ की मात्रा का, मैंने देखो पिक्चर्स बनाए हुए हैं, इस तरह से लिखा हुआ है। आपको भी अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखना है, तैयार करना है, पिक्चर्स बनानी है, समझ में इसमें समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम टॉप मेथड है, बिना मात्रा वाले वर्ण लिखे हुए हैं और इसके नीचे दीर्घ की मात्रा वाले वर्ण। का की च ची ठा ठी ता ती रा री शा शी। अभी अंतर पहचानो, ये क्या है, हर्षी की मात्रा वाले शब्द। आपको बताया था ना, राइट जो लेफ्ट साइड से होते हैं वो हर्षी की, और जो राइट साइड से मात्रा रहती है वो दीर्घ। दिन दीन, हरी हरी, कली कली, टिन टीन। अभी माली, गाड़ी चीनी, मकड़ी तितली पालकी। आपको ये सब अपने नोटबुक में लिखना है। ताली साड़ी लीची लकड़ी बिजली पपीता। अब यहाँ उसके पिक्चर्स हैं और नीचे उसके नाम लिखे हैं, दीर्घ मात्रा वाले शब्द लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इस दिन पढ़ेंगे वाक्य, पढ़ो और लिखो। टॉपिक इज रानी खीर खाओ, रानी खीर खाओ। यहाँ पे इसकी माँ मम्मी क्या बोल रही है, रानी खीर खाओ, अपनी बेटी को बोल रही है जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। आप लोग देख रहे हो यूनिफॉर्म पहनी हुई है, बैग रखा है उसका, बैग तैयार हो। खाकर पाठशाला जाओ, पाठशाला मीन्स स्कूल जाओ, खाकर पाठशाला जाओ। दीदी पाठ पढ़ाएगी, दीदी मीन्स आप लोग की मैम जो है पाठ पढ़ाएगी। लिखना पढ़ना सिखाएगी, और क्या करेगी आप लोग को, पढ़ना सिखाएगी लिखना सिखाएगी जो आप स्कूल में सीखते हो। लीची पपीता खिलाएगी, लीची पपीता खिलाएगी इसको। जैसे आप लोग कभी कोई कॉम्पिटिशन वगैरह में आते हो उसमें आप लोग को प्राइज मिलता है ना, इसी तरह से मम्मी उसको समझा रही कि लीची पपीता खिलाएगी। पढ़ लिख कर बड़ी बनना रानी, कहलाना लड़की सयानी। अब कबरी बकरी, इसमें भी देख रहे हो बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है, दीर्घ की। बकरी निकबरी बकरी बड़ी सयानी, जब तक पीती पानी हरी हरी घास खाती है। क्या है इसका नाम, कबरी है, बकरी है जो बड़ी सयानी है, मतलब बहुत समझदार है और घास हरी हरी घास खाती है ना, ये बड़ी निडर कभी नहीं डरती, बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती है। एक दिन चीता आबिड़ा ताओ कबरी खा गई, चीता आबिड़ा तो उसको भी गुस्सा आ गया, झट चीता मार भगाया, अपनी ताकत का असर दिखाया। उसने क्या किया, उस चीते को मार के भगा दिया, और वो उस अपनी ताकत उसको दिखा कि वो कमज़ोर नहीं है किसी से। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये पहले आप खुद करोगे, इसलिए हम आपको समझा चुके हैं आ की मात्रा जिस तरह से हमसे गया था उसी तरह से आपको करेंगे। अब आपको ये खुद कंप्लीट करना है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाएंगे कि इसको कैसे आप लोग जैसे मैं करूँगी वैसे ही आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि नहीं, ये मैं आपको बाद में समझाऊँगी। थैंक यू चिल्ड्रेन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।